पीछे से ओए दर्द हो रहा है उसको। ओए ओए आराम से आराम से पीछे पीछे। खोलो तो आप खोलो खोलो खोलो। हाँ कितना हो गया काम है? अच्छा अच्छा ये काफी रहेंगे? सही लाइट आएगी कि नहीं आएगी? चलो सही है। ओ भाई सर हमारे मास अकेडमी लाइट लगना शुरू हो गई हैं जो कि बहुत जरूरी थी हमारे पिंडों के लिए। बस दो तो लग चुकी हैं, एक वहां पर और एक यहाँ पर। सर क्यों ना के घर के भी लगी हैं। हाँ चलो मैं वो भी देखता हूँ। हाँ भाई ऐश मोना के घर में एक ही लाइट लगवाई है ये वाली। यार ऐश मोना के घर में भी लाइट लग चुकी है क्योंकि रात को जलेगी फिर पता चलेगा। चुप करके बैठो आराम से बैठ जाओ। तो चलो यार इनकी भी लाइट लग गई है, बस अब रहते हैं ये वाला और मास्टर केज बस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार ये देखिए हमारी बकरियां, जो ही धूप तेज होती है हम ना इनको गोट फार्म से निकाल के ना बाहर छोड़ देते हैं ताकि धूप सेकें और अपनी सर्दी को करें कम, क्योंकि रात सारी यार बहुत ज्यादा ठंड होती है। बेचारे जब सुबह आते हैं ना हम क्या करा होते हैं, बकरियों ने अपने बाल खड़े किए होते हैं सर्दी की वजह से। जो ही हम फिर बाहर छोड़ते हैं ऐसी लेट जाती हैं और फिर ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है ना धूप? यार धूप बड़ी मजे की निकली हुई है सिपैन। कैसी को भी बाहर निकाल ले मैं कहता हूँ। नहीं भाई है नहीं भाई, रिस्क नहीं लेना भाई, सिर्फ बाहर निकालो। सवारी थोड़ी ना करनी है उसको, वो ना वो लगाम डालनी पड़ेगी 2 घंटे फिर ये बाहर आ पाएगी। चलो नहीं निकालते यार, इधर ही ठहरी रहो। तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारे करीब नहीं आते हम, पता है तुम्हें, यहाँ पर ही ठहरो। तो दोस्तों ये घास है बकरियों के लिए नहीं है भाई, ये सिर्फ रैबिट्स के लिए। हट जाओ यहाँ से, तुम लोगों का नहीं है ये। मुझे दे दो, मुझे दे दो। ओहो भाग क्या हो सिर्फ, जल्दी जल्दी आ जाओ। ओ यार जाओ यहाँ से, तुम्हारा नहीं है यार। तुमने अभी खाना खाया है ना, कैसे देख रहे हो जैसे कुछ नहीं खाती तुम। ये देखे यार गोट फार्म में लेके जा रहे हैं और आराम से हमारे पीछे आ रही है, पहले कहाँ आती थी। ये देखें ये तरीका अच्छा है भाई, खाने की लालच दो। दरवाजा बंद करो, तुम बाहर आ जाओ, ये पकड़ो। अब सुकून से यार मैं आपको बताऊंगा रैबिट्स कहाँ हैं। यार रैबिट्स को भी देंगे दोस्तों, और बिग रैबिट्स, स्मॉल रैबिट्स, नए वाले रैबिट्स, ये वाले और ऊपर भी डाल देंगे क्योंकि ये रैबिट्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ रैबिट्स के लिए। ये लो भाई साहब ये देखें दोस्तों कितना शौक से खा रहे हैं हमारे रैबिट्स के बच्चे, बड़े रैबिट्स। और यहाँ पर नए वाले रैबिट्स देखें दोस्तों, बहुत क्यूट है यार, मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे हैं। सबसे अच्छे मुझे ये लगे हैं, बिग वाले रैबिट्स जो देखे थे ना उससे भी ज्यादा अच्छे लगे हैं मुझे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूट है। देखें दोस्तों इसके फेस देखें, बहुत प्यारे हैं यार ये। खाओ भाई खाओ, मजे करो। क्या किया इसने? यार ये नर, ये तो बहुत खतरनाक है यार। हटो जरा, बिग रैबिट को कुछ हो गया है, लड़ाई की इन्होंने, ये अंदर कैसे आया है? हटो जरा यार, हमारा जो व्हाइट वाला रैबिट था ना इनके घर तक घुस गया। तो आप इसको भागने नहीं देना, अब व्हाइट को पकड़ो पहले तुम। कुछ लग इसको मारा है यार, ये नहीं तो भाग जाते हैं। इसने मारा है, इसको पकड़ो तुराप, फिर इसको हम करें। एक मिनट, इसको इसको कैद करके आओ, पहले कैद करके आओ यार, उसको उठाओ। मुझे लगता है व्हाइट रैबिट ने इसको बहुत मारा है, तो आप आ जाना, उठाओ इसको आराम आराम से, आराम आराम से आ जाओ यार, आ जाओ, जख्मी ना होना प्लीज प्लीज प्लीज। वही उसको कुछ हुआ पड़ा सिपी? क्या कुछ है इसको? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी पता चलेगा। ठीक है, सही है, ठीक लग रहा है। उसने इसको नोचा होगा, बहुत बाल खींचे होंगे बेचारा, ये मार नहीं सकता ना, मोटा है ना, बड़ा है ना साइज में, तो ज्यादा फुर्तीला नहीं है, तो इस वजह से मार खाता है। तो अब उस रैबिट को वापस कराते हैं। हाँ उसका ही इलाज है, चलो इनको खाना दे दो। तो आप डरो नहीं, बड़े हो यार, तुम्हें तो दहशत होनी चाहिए तुम्हारे तो यहाँ पर, डरपोक हो यार तुम भी। हाँ जी जाओ और खाना खाओ आराम से, शाबाश, अच्छा बच्चा बन जाओ। तो हमारे पास है दोस्तों गंदम का आटा। ओए इसको देना नहीं है आटा, एक मिनट, इसको दवाई में मिक्स करना है, सही है, और फिर हमने बकरियों को देना है, गैया को देना है, गाबा को देना है, ऐश फिर होना सबको देना है, ठीक है? कड़वा है मुंह में चला, तो तुमने क्यों मुंह में डाला है? क्या चीज है? यही डिवर्मिंग के लिए है मेडिसिन। इसे कुछ होगा तो नहीं मुझे? तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्या ज्यादा खा लिया क्या? थोड़ा सा, इसमें मिक्स नहीं करना, पानी में मिक्स कर, कुछ पता है तुम्हें? अच्छा ये डाल सारा। हाँ सारा, ओके सारा डाल दिया जी, चलो हो गया।
चलो यार बना ले, हम फिर आपसे मिलते हैं। मुश्किल काम है यार, खराब हो गया ना फिर मसला हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमने दवाई बना ली है, ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे ना पेड़ा बन गया हो, लेकिन हमने ना थोड़ा थोड़ा करके ना बकरियों को खिलाना है और गैया को भी खिलाना है, सही है। ऐश और फियोना को गोश्त में मिक्स करके देना है, सही है। चलो यार हिस्से करो, सबकी गोलियां बनाते जो फिर इनको देते जाते हैं, ठीक है। सर हमने फाइनली पूरी दवाई बना ली, अब एक एक करके सबको एक एक रसगुल्ला देते जाते हैं। ये लो। वो भाई दवाई कितने शौक से खाई है यार। बस। हैप्पी बर्थडे। बस यार माइलो रहता है, बाकी सब बकरियों को हमने ना डीवर्मिंग करा दी है, ऐसे ना फिर ये इसका पेट साफ हो जाएगा ना, ऐसे होता है ना। सही है, इसको क्या स्कार को भी खिला दो। स्कार आटा नहीं खाता, शेर है वो, कुत्ता नहीं है। हाँ, गोश्त में मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो आ जाओ। हाँ सही है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यार, हीर की आंख की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके फेस पे काफी पानी शानी उसकी आंख से निकल रहा था, तो बोरिक एसिड के साथ पानी मिक्स करके मतलब इसकी सफाई कर रहे हैं, तो अच्छे से इसकी सफाई हो जाएगी, आंख बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि इसका जख्म तो भर गया है, बस पानी बहता रहता है, तो इसके लिए सफाई करना जरूरी होता है, नहीं तो ऐसे इन्फेक्शन हो सकता है, जरासीम बैठते हैं, मक्खियां वगैरह, तो ये सफाई जरूरी होती है। जाओ भाई जाओ। अब बारी है दोस्तों गाबा की। गाबा के कान में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, जो टैग नहीं लगाते फार्म्स वाले वो टैग उन्होंने उतारा है, तो गाबा को यहाँ पर ना एक सुराख है, तो इन्फेक्टेड हो गया है वो साइड ना उसकी, तो उसका भी अब सफाई करने वाले हैं। तो हमने माशा को लिटा दिया, अभी ना इसकी सफाई वगैरह कान की कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर था इसका जख्म, तो इस तरह इसकी सफाई करेंगे। वहाँ पर दवाई है जिसमें डुबो के, ताकि इसकी इन्फेक्शन ना हो इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसला हो सकता है, ये बढ़ता जाता है जख्म, ऐसे पूरे कान को खा जाएगा इसके, तो इस वजह से लाजमी करनी है सारी चीज़ें, दवाई वगैरह हम कर रहे हैं इसकी, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इन्हें। पीछे से दर्द हो रहा है उसको। आराम से। बस हो गया, चलो उठ जाओ गाबा, शाबाश, चलो। ओहो उठ जाओ। ओए बहुत टाइम लग गया यार इसके कान की सफाई और सारा कुछ करने में, इसको दर्द भी बहुत हुआ होगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है यार। बहुत गहरा ज़ख्म होता जा रहा है हमारे माशा का, हमें रोज़ बल्कि दिन में 2-3 दफ़ा इसकी सफाई और इन्फेक्शन को देखना पड़ेगा, नहीं तो काम ख़राब हो सकता है, ऐसे आहिस्ते आहिस्ते इसके कान को खा जाएंगे यार जरासीम, तो बहुत ज़रूरी है काम करने। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मैं आ गया ट्यूशन से। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है।